पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं, इसको एंगल को एडजस्ट कर रहे हैं, है ना, आगे पीछे कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये भैया 5 किलोमीटर तक मार दे, तो कुछ भी एंगल पे मारना चाह रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि ये 5 किलोमीटर पे मार दे, तो मैक्सिमम कितने पे मार पाएगा? 45 पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम 45 पे ही होती है। अब वो तो निकालना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर के आगे गिर रही है या 5 किलोमीटर के पीछे गिर रही है या 5 किलोमीटर के ऊपर गिर रही है, है ना। तो हमको यहां पर इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी फॉर द एंगल आर। बट प्रॉब्लम ये है कि हमको इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है। एज्यूम द मसल स्पीड ऑफ तो भी फिक्स, मान लीजिए यहां पर इन दोनों की जो फायरिंग स्पीड है, फायर की, वो फिक्स है, मतलब पहले भी यू पे फायर किया था और बाद में भी यू पे फायर किया है, बट पहले एंगल कम था और बाद में एंगल ज्यादा है। तो आपको बताना है कि क्या ये जो शेल है, ये जो गोला निकला है, ये 5 किलोमीटर तक जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यू, क्या निकालना है, यू। आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया, नहीं आया, आ गया क्वेश्चन में? आपको रेंज दी गई है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए 3000 मीटर, एंगल कितना है 30, यू पता नहीं है, आपको बोल रहा है कि यू को सेम रखते हुए क्या आप गोले को 5000 मीटर तक फेंक सकते हो कि नहीं फेंक सकते हो, है ना, क्या रेंज कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो यू चाहिए हमको। सो देखो, व्हाट इज द रेंज एट 30 डिग्री प्रोजेक्शन, रेंज एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच दे हैव गिवन, 3000, range at 30 degree they have given 3000, so the formula of R equal to U square sin 2 theta upon G equals to 3000, yes or no, ठीक है ना बेटा, U पता नहीं है निश्चित, U पता नहीं है, तो U square into sin 2 theta, what is theta, 30 का double 60, sin 60 equal to root 3 upon 2, sin 60 equal to root 3 by 2 into g, sin 60 equal to root 3 by 2 और यहां पे g मतलब 10 equal to 3000, एक काम करो g ही रहने दो 2g, क्योंकि उसका यूज कर लेने वाले अभी आगे हम, root 3 by 2 is equal to 3000, so u square equal to 3000 into 2g upon कितना root 3, this is your u square, clear not clear, ये आपके पास आ गया u square, ये इतनी स्पीड से इसको गोले को फेंका गया है। अब दूसरा केस है कि बताइए 45 डिग्री पर कह रहा कि कितना दूर आप फेंक सकते हो, तो हम तो ट्रायल करेंगे 45 पर, क्योंकि 45 से ज्यादा तो किसी में जाएगा नहीं, जो मैक्सिमम रेंज होती है कितने पे होती, 45 पे। तो फॉर्मूला लगाते हैं r मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 पर कितना आएगा, u square sin 2 theta, u square sin 2 theta, sin 2 into 45 बोले तो 90 upon कितना g, मतलब हाँ sin 2 theta, बता रहा हूँ sin 2 theta, sin 2 theta, what is sin 2 into theta is 30 degree, yes or no, this is sin 60 degree, sin 60 equal to root 3 upon 2, root 3 ये बैठा है, 2 ये बैठा है, बोलो yes or no, हाँ ठीक है, no issue, बड़े cancel हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, okay, now R 45 degree पर, this is equal to U square upon G, मैंने तो formula भी लिखवा रखा आप लोगों को, R max होता है U square upon G, R max हुआ करता है U square upon G, directly तो लगा सकते हो, now, अच्छी का U square की value, वो देखो इतनी सारी निकाल रखी है हमने, निकाल रखी है ना 3000 इंटू 2g, हाँ भैया कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, है ना, u square by g, मतलब अच्छा एक काम करो, इनका कहना डायरेक्ट कर दो, देखो u square की वैल्यू इतनी हुई है, g का डिवाइड कर दो इसमें, तो वही u square की वैल्यू है 3000 इंटू 2g by root 3, ये हुई u square की वैल्यू डिवाइडेड बाय कितना, G से G क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर आ गया 6000, 3000 गुणे 2 कितना हो गया 6000, बोलो यस, 6000 अपॉन रूट 3, अपॉन रूट 3,
1.732, बोलो होती है रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, तुम 1.7 ना लो, मैं कहता हूं अगर तुम 1.5 लेते जो कि रूट 3 से कम है, रूट 3 तो ज्यादा आ रहा है, अगर तुम रूट 3 से 1.5 लेते और ऊपर क्या लिखते 6000, बोलो हां ऊपर क्या लिखते 6000, तो इसको सॉल्व करते तो बेटा ये आता कितना मालूम 4000, कितना आता 4000, देख लो 1.5 × 6 होता है, 1.5 × 4 = 6 होता है, आया ना, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो 6000 में 1.5 का डिवाइड करो, ब्रेक करो, ये जीरो आ गया, 15 × 6 = 60, 1, 2, 3 4000 आ गया, मतलब यदि आप इसको नीचे 1.5 होता, 1.5 अगर होता, कम क्वांटिटी होती तो इसका आंसर बेचारे का 4000 आ रहा था, अब तो 1. ज्यादा है तो और कम आएगा, 4000 से भी कम आएगा, इसका आंसर 3900 के आसपास हो सकता है आ जाए, समझ गए ना, तो मतलब और क्या था, क्या ये 5000 टारगेट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, अब आप निकाल ही लो, एक काम करो, चलो 6000 डिवाइडेड बाय 1.732, 1.7 से डिवाइड कर दो, निकालो आंसर, 1.7 से डिवाइड कर दो, 6000 डिवाइडेड बाय 1.7 कितनी आ रही है, रेंज देखिए, रेंज इक्वल टू 3.3 नहीं आएगी, ज्यादा आएगी 3000, 3000 कुछ आएगी, 6000 बाय 1.732 सीयर यहां कर रहा हूं मैं, 6000 बाय डिवाइडेड बाय 1.7 आंसर 3529, 3529 मीटर, 3529 3529 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है 3529 या तो किलोमीटर में होगा तो आपके पास ये 3.5 करके कुछ आ जाएगा, वो भी सही है, नहीं कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू आपकी कट रही है इसलिए इफेक्ट नहीं आएगा, बट याद रहे उस समय आप जी 10 m/s² नहीं रख सकते हो, इसलिए कर लेना इसको मीटर पर सेकंड में, नहीं तो गलती होने के चांसेस है, क्लियर ना, सो आंसर 3529 मीटर, क्या ये 5000 तक टारगेट कर पाएगा, नो ये मैक्सिमम कर रहा है 3529, यस 3000 3.46, लगभग उतना ही है, ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बना, इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, विच क्वेश्चन दिस इज, 4.14, ओके नोट करिए इसको, क्वेश्चन देखिए पहले